हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक में जो हमारे घर की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें कौन सा इलेक्ट्रिक का सामान यूज होता है और फ्रेंड्स कौन सी चीजें उसमें होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बेसिक नॉलेज जो है इलेक्ट्रिक की, प्लम्बिंग की, वो होनी ही चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपके वर्कर होंगे, जो प्लम्बिंग के वर्कर होंगे, जो इलेक्ट्रिक के वर्कर होंगे, वो अपना काम कंप्लीट करके चले जाएंगे। आपको फ्रेंड्स पता भी नहीं होगा कि कौन सा वर्क किस तरह से किया जाना था और उसमें क्या सुपरवाइजन हमें करना चाहिए था ताकि जो वर्क है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हमें जो है इलेक्ट्रिक जो है सामान के बारे में, इलेक्ट्रिक का जो भी सामान यूज होता है कंस्ट्रक्शन के वक्त, वो सारा पता होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो ये हमारी चीजें यूज होती है, ये है हमारे मॉड्यूल बॉक्स। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल बॉक्स होते हैं। ये है हमारा 8 मॉड्यूल बॉक्स, ये है हमारा 6 मॉड्यूल बॉक्स और ये है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 मॉड्यूल बॉक्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारे 4 स्विच लग सकते हैं, इसमें हमारे 6 स्विच लग सकते हैं और इसमें हमारे 8 स्विच लग सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली चीज़ है हमारी, ये है जंक्शन बॉक्स। ये जंक्शन बॉक्स वहाँ लगाया जाता है जहाँ आपको अगर एक पाइप को दूसरी पाइप में निकाल कर एक वायर को दूसरी पाइप वायर से दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है, तो वहां पर ये जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है। तो इस कुछ इस तरह का ये जंक्शन बॉक्स होता है, आप देख सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स हमारा कंसील्ड बॉक्स। ये हमारा कंसील्ड बॉक्स होता है, ये जब हमारा स्लैब डालनी होती है, लेंटर डालना होता है, उस वक्त ये प्रोवाइड किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो है, जो ऊपर से हमारा जो भी लाइटनिंग वगैरह आनी होती है स्लैब में, वो इसके जरिए ही आती हैं। यहाँ पर ये जो होल्स बने हुए हैं इनमें पाइपें वगैरह लगा दी जाती हैं चारों तरफ से और इसे कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंसील्ड बॉक्स। और ये फ्रेंड्स सिंपल चीज़ें ही हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं हुक्स, या बोल सकते हैं प्लास्टिक की, या इन्हें देसी लैंग्वेज में बोलते हैं गट्टियाँ। ये जो है, ये जब हम वॉल में इन पाइप्स को जब लगाते हैं तो उन्हें एक तरह से प्लेस करने के लिए वो अपनी जगह पर एकदम सेट रहें, अपनी जगह पर फिक्स रहें, तो इन गट्टियों को लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो अगली चीज़ आती है वो है हमारी बेंड्स। ये पीवीसी के बेंड्स होते हैं। जब भी हमें पाइप्स इंस्टॉल करनी है, उन्हें बेंड करना है, उन्हें डायरेक्शन उनकी चेंज करनी है, तो ये बेंड प्रोवाइड किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जो लेंटर में बेंड हैं वो हैवी बेंड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो कंक्रीट का जब उनके ऊपर लोड आए तो वो टूटे ना, तो इसलिए फ्रेंड्स जो हैवी बैंड प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे लेंटर में। मीडियम बैंड है जो हमारे जो है वो वॉल में चल जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई ज़्यादा लोड नहीं आना होता है, सिर्फ उनके ऊपर हमारा जो है वो प्लास्टर होना होता है, इसलिए जो मीडियम टाइप के बैंड हैं वो चल जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली चीज़ है वो है हमारी पीवीसी की पाइप्स। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारी पीवीसी की पाइप्स हैं। अब ये भी फ्रेंड्स, एक हमारी लाइट आती है, एक मीडियम आती है, एक हैवी आती है, जो अलग अलग टाइप की होती हैं। ये हमारी मीडियम साइज की है। आप इन्हें कुछ इस तरह से दबा कर देखिए, अगर ये दब जाएं तो ये मतलब लाइट हैं। वैसे तो इनके ऊपर फ्रेंड्स लिखा भी होता है, मेंशन भी किया होता है कि ये पीवीसी की लाइट पाइप्स हैं या हैवी पाइप्स हैं या मीडियम पाइप्स हैं। ये फ्रेंड्स जो आप सामने पाइप देख रहे हैं ये हमारी मीडियम पाइप्स हैं। ये जब हम वॉल में हमने पाइप्स को इंस्टॉल करना होता है तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, ये मीडियम होती हैं, इसलिए फ्रेंड्स इन्हें हम जो है ये मीडियम पाइप्स हैं हमारी पीवीसी की। फ्रेंड्स, अगर जब हमें अपने लेंटर में डालनी है या जब हमारी स्लैब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तब हम जो पाइप्स यूज़ करते हैं वो हैवी पाइप्स यूज़ करते हैं, ताकि जो फ्रेंड्स कंक्रीट का लोड आए जो हमारी स्लैब में, तब ये जो पाइप्स हैं वो टूटे ना, इसलिए फ्रेंड्स इन्हें हैवी यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, ये है हमारा फैन बॉक्स, जो ये आप इसमें हुक देख रहे हैं, इसी के ज़रिए जो है पंखा वगैरह जो है स्लैब के साथ लगा दिया जाता है। और फ्रेंड्स, जब हम अपनी स्लैब की रीइन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है, जैसा कि अभी आप इमेज में देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक इलेक्ट्रिक की सिंपल इन्फॉर्मेशन, या फिर हम कहें सिंपल आपको एक हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है सभी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो और भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हैं उनकी जो बेसिक नॉलेज है, जो और भी फील्ड्स जो रिलेटेड हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग के साथ, इलेक्ट्रिक की हो गई, प्लम्बिंग की हो गई, तो उनके बारे में उनको भी इन्फॉर्मेशन रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।